गंजवासुदा में प्रशासन और खाद्य सुरक्षा दल ने एक व्यापारी के दो घरों से 150 क्विंटल मिलावटी मावा पकड़ा। 90 किलो पनीर भी मिला। दीपावली के मद्देनजर शुक्रवार को अमले ने शहर के प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया। एसडीएम विजय राय ने बताया कि स्टेशन मिल रोड आवासीय क्षेत्र में चल रहे मावा भंडार का निरीक्षण किया गया। इस दौरान बड़ी मात्रा में बिना बिल का 150 क्विंटल मिलावटी मावा और 90 किलो पनीर का स्टॉक मिला। जब दुकान की लिखा पड़ी खंगाली गई तो पता चला कि 150 क्विंटल से ज्यादा मावा का कच्चा रिकॉर्ड दर्ज है, जो कि मौके पर नहीं मिला। तभी जांच दल को पता चला कि वरेठ रोड के सुभाष निकेतन गली में मावा भंडार के दो मकान हैं, जिसके बाद जांच दल वहां पहुंचा तो मकान में ताला लगा मिला। ताला खुलने पर जांच दल चेक किया गया और परिवार मकान के अंदर था और कमरों में बड़े बड़े 26 डीप फ्रीजर रखे हुए थे, जिनमें मावा भरा हुआ था। एसडीओपी मनोज मिश्रा ने बताया, प्राइमरी टेस्ट में मावा मिलावटी पाया गया, जांच जारी है। मावा धौलपुर, मुरैना और पंजाब से मंगवाया गया है। इधर मिठाई बनाने वाले कन्हैयालाल पुरोहित के अनुसार 150 क्विंटल मावे में 300 क्विंटल पेड़े और 450 क्विंटल गुलाब जामुन बन जाते हैं। जांच के दौरान यह भी पता चला है कि राजस्थान के धौलपुर और मध्य प्रदेश के मुरैना से मावा मंगाया जा रहा था। इस नकली मावे के कारोबार का किसी को पता ना चले, इसके लिए व्यापारी लोकल के ग्रामीणों का बना मावा भी खरीद लेता था, उसे ही दुकान पर रखता था, जबकि बाहर से आए बने गोदाम में रखा मावा को घर ले जाता था। घरों से ही सीधे ऑर्डर पर आहार का मावा भेजा जाता था। इस मावा को रखने के लिए घर में बड़े बड़े व्यापारी को फिन रखे हुए थे, जिसमें वह मावा को स्टोर करके रखा था। कार्यवाही के दौरान प्रशासन ने जो मावा जब्त किया, उसकी बोरियों पर उर्दू में लिखा हुआ है। यह भी माना जा रहा है कि पंजाब से भी मावा लाया जा रहा है। इस कृत्रिम मावा में क्या मिलावट है, इसकी जांच कराई जा रही है। मकान में रखे फ्रीजों में जब मावा निकलवाया गया तो पता चला कि उसकी मात्रा 150 क्विंटल से अधिक है। इस पूरे मावे को जब्त किया गया। जांच में पता चला कि नगर और आसपास इसी व्यापारी द्वारा बड़े पैमाने पर मावा और पनीर की सप्लाई की जाती है। पूर्व में नगर पालिका के दल के साथ खाद्य अधिकारियों ने छापा मारा था, उस समय स्टेशन रोड के ठिकाने पर ताला मिला था। इसके बाद से इस व्यापारी पर नजर रखी जा रही थी। कार्यवाही के दौरान एसडीएम विजय राय, एसडीओपी मनोज मिश्रा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी संदीप वर्मा, कनिष्ठ खाद्य अधिकारी पिंकी शाक्या, नापतौल अधिकारी निधि श्रीवास्तव, थाना प्रभारी संजीव चौकसे, नगर पालिका खाद्य निरीक्षक जावेद खान अपने दलबल के साथ मौजूद रहे। गंज वासुदा से बंची बाबा नफीस खान की रिपोर्ट। तो संयुक्त रूप से कार्रवाई की गई, जहां पर मौके पर हम लोगों ने लगभग 22 बड़े फ्रिज पाए, जिसमें अनुमानित लगभग 125 क्विंटल दुग्ध सामग्रियों से बना हुआ माल हम लोगों ने यहाँ पाया। सर और तैयारी, चूंकि अभी सारे पैकेट्स खोले नहीं, हमारी टीम अभी धीरे धीरे कार्रवाई कर रही है। अभी कार्रवाई में लंबा समय लगेगा, लेकिन अभी प्राइमा फेसी लगभग 30 से 40 क्विंटल मावा और दुग्ध अन्य सामग्रियाँ, जिसमें बर्फी या मिल्क केक और पनीर जैसी सामग्रियाँ हैं, वो भी इसमें शामिल पाई गई।